अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मिट्टी के गणेश की स्थापना पर्यावरण के हित में है। टी प्रतीक राव, IAS। मिट्टी के गणेश प्रतिमा निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। उज्जैन रोड स्थित जेम्स अकेडमी विद्यालय में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मिट्टी के गणेश की प्रतिमा निर्माण एवं बच्चों व युवाओं के लिए प्रतिमा निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए देवास SDM टी प्रतीक राव, IAS ने कार्यशाला में सर्वप्रथम गणेश जी एवं मिट्टी का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं उपस्थित बच्चों के द्वारा मिट्टी के गणेश की प्रतिमा के निर्माण कार्य को सराहा एवं कहा पर्यावरण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बहुत नुकसानदायी हैं एवं पानी में घुलनशील नहीं होने के कारण जल स्तर कम होने पर टूटी फूटी अवस्था में जब बाहर निकलती हैं तो धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है। टी प्रतीक राव ने स्वयं भी बच्चों के बीच बैठकर मिट्टी के गणेश की प्रतिमा बनाना सीखकर एवं प्रतिमा निर्माण का कार्य किया। कार्यक्रम की संयोजिका ऋचा दुबे ने मुख्य अतिथि का स्वागत रुद्राक्ष की माला और गंगा जल से किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयोजक आदित्य दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का 7वां वर्ष है। लगातार 7 वर्षों से हजारों इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश की प्रतिमा का निर्माण कर अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम जन को निशुल्क भेंट की जाती है। यह कार्यक्रम पर्यावरण के हित में जन जागरण हेतु अभियान के रूप में चलाया जाता है। प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मिट्टी के गणेश की प्रतिमा का निर्माण करना सीखें एवं स्वयं बनाकर मिट्टी के गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पर्यावरण बचाने में अपना योगदान देवें। 9 अगस्त से प्रारंभ हुई ये कार्यशाला आगामी 15 दिनों तक प्रतिदिन 4 से 6 बजे तक चलेगी, जिसमें नगर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं, पत्रकारों व आम जन को मिट्टी के गणेश की प्रतिमा निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी के साथ सहायक के रूप में मानसी चौहान, उदित गवाड़े, पवन राठौर, आद्य दुबे, आर्यमन दुबे, सूरज चौहान, संजना चौहान, प्रिया गुप्ता, आयुष परमार, पायल राठौर आदि उपस्थित थे। जब छोटे बच्चे किसी ऐसे चीजों में भाग लेते हैं, आप लोग के यहाँ घर पे सबके पास स्मार्टफोन होगा तो स्मार्टफोन चलाने में मजा आता है कि ये करने में ज्यादा मजा आता है? तो ऐसी चीजों में जब आप लोग काम करेंगे, जब हाथ से कुछ बनाएंगे, बाहर खेलेंगे, बाकी बच्चों के साथ आप करेंगे ना, तो आपसे क्या करते थे ऐसा?